अंबाला में आज बिजली कर्मचारियों ने सर्कल के अधीक्षक अभियंता बीके बर्नवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिजली कर्मचारी कामकाज ठप करके एससी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि अधीक्षक अभियंता बीके बर्नवाल कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। एचएसईबी वर्कर यूनियन के नेताओं का कहना है कि पिछले 4 महीनों से 3 बार वो अधीक्षक अभियंता को अपनी मांगों का मांग पत्र सौंप चुके हैं, जिस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कल जब दोबारा उनसे मिलने कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व गया तो उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। एचएसईबी वर्कर यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अधीक्षक अभियंता की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, वो यहीं धरने पर डटे रहेंगे। विकास मंगल ऑर्गेनाइजर नंबर 1 एचएसईबी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी, यह जो धरना दिया गया है एससी के खिलाफ दिया गया है, क्योंकि एससी लेवल की बहुत सी मांगे हमारी सर्कल सचिव द्वारा मांग पत्र दिया गया, लेकिन उस पर ना कोई संज्ञान इस एससी ने नहीं लिया और ना ही इनको बुलाकर कोई बात की। जब ये बात करने गए तो हमारे यूनिट सचिव साहब इनके साथ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको छोड़कर अकेले आ जाओ, जबकि वह सर्कल वर्क्स कमेटी के मेंबर हैं साथ, और बहुत समय से ये बार बार पत्र दे रहे हैं लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। एक अकेले को बुलाकर दबकाना चाहता है ये और अपनी तानाशाही दिखाना चाहता है, और एचएससीबी वर्कर इसका बहुत रोषपूर्ण तरीके से विरोध कर रही है, और से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसे सर को सद्बुद्धि दे ताकि ये आकर कर्मचारी को न्यायोचित मांगों को हल करे और यह धरना ख़त्म किया जा सके, ताकि अगर यह अपना तानाशाही रवैया जारी रखेगा तो यह धरना पूरे जोन में भी फैल सकता है। ये धरना हमारे एचएसबी वर्कर यूनियन भिवानी जो है उनके सर्कल सेक्रेटरी हमारे साथ खड़े भाई तरलोचन सिंह जी के निर्देशानुसार और हमारे केंद्रीय परिषद में भाई विकास मंगल जी की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है, और कर्मचारियों की पिछले काफ़ी समय से कई समस्याएं, कई डिमांडें पेंडिंग हैं, जिसके लिए यूनियन ने लिखित रूप में भी एससी महोदय को दिया था और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और बार बार बातचीत करने पे, नोटिस देने पे कोई एक्शन नहीं है, और जब यूनियन के प्रतिनिधि इनसे बात करने गए तो इन्होंने यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बात करने का समय नहीं दिया, उनको इग्नोर किया। तो मेरा मानना ये है कि जो एससी अपने स्टाफ को ही इग्नोर कर रहा है, जो अपने स्टाफ की समस्याएं नहीं सुन रहा, तो ये जनता की क्या समस्याएं सुनेंगे? और बिजली बोर्ड तो असेंशियल सर्विस है, अब ना स्टाफ पे TNP है ना कुछ है, और चोरी पकड़ने जाते हैं तो कोई सुरक्षा का कोई सही प्रबंध नहीं होता, तो इस तरह से कई सारी समस्याएं हैं और एससी साहब ने पूरी तरह से इग्नोर कर रखी हैं, और इस करके धरना लगाया गया है। इसमें जो है नरेंगढ़ से, बराड़ा से, जनसुई से, दूर दूर से साथी अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, और इन सब जो आज का काम का लॉस हुआ है इसके जिम्मेवार एससी महोदय हैं। कर्मचारियों की समस्याएं सुननी चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए, और मेरा फिर यही मानना है कि नकारात्मक सोच के अफसर हैं। जो व्यक्ति अपने स्टाफ की, अपने कर्मचारियों की समस्या नहीं सुनता, तो आम उपभोक्ताओं की क्या समस्या सुनते होंगे? मांगे मैंने आपको जैसे बताई हैं, वैसे तो पूरा एक लेटर है, आपको भी राइटिंग में भी ये कॉपीज की प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन मुख्य मांगे तो जैसे स्टाफ की TNP नहीं है, स्टाफ का फर्नीचर नहीं है जी, और खूब सारा रिकॉर्ड इधर उधर वेस्ट हो रहा है, और इसके अलावा चोरी पकड़ने जाते हैं तो सुरक्षा का जो है कोई सही तरह से ध्यान नहीं रखा जाता, समन्वय दूसरे विभागों से नहीं बनाया जाता। ये तो एससी साहब आएंगे, कोई यहाँ ठोस जवाब देंगे, कोई डिमांड मानेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे तो ये धरना तो समाधान होगा। अगर ये अपनी अफसरी वाली उसमें रहे तो ये धरना चलता रहेगा जी।